शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मेरी मोहब्बत वाजिब है उन लोगों के लिए जो बाहम मेरी वजह से मोहब्बत करें और मेरी वजह से और मेरे ताल्लुक से कहीं जुड़कर बैठें और मेरी वजह से बाहम मुलाकात करें और मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करें। तशरीह, अल्लाह के जिन बंदों ने अपनी मोहब्बत और चाहत और अपने जाहिरी और बातनी ताल्लुक को अल्लाह ताला की रजा जोई के तहत कर दिया है और उनका हाल यह है कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, जिसके पास बैठते हैं अल्लाह के लिए बैठते हैं, जिससे मिलते हैं अल्लाह के लिए मिलते हैं, जो कुछ एक दूसरे पर खर्च करते हैं अल्लाह ताला ही की रजा जोई के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह के ये बंदे इसके मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ताला की खास रजा और मोहब्बत उनको नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस कुदसी में अल्लाह ताला के उस बशारती मंशूर का ऐलान फरमाया है कि मेरे उन बंदों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब और मुकर्रर हो चुकी है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनसे राजी हूँ और वो मेरे महबूब और पसंदीदा बंदे हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपने उन बंदों में से कर दीजिए जो तेरे ही लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, तेरे ही लिए बाहम जुड़ के बैठते हैं, तेरे ही लिए आपस में मिलते हैं और तेरी ही रजा के लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं।